अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए एक व्लॉग लेके आई हूँ बर्थडे का। मेरे नेफ्यू की, मेरे भतीजे की बर्थडे थी, थर्ड बर्थडे की है हमने। तो आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से डेकोरेशन की, क्या क्या खाने में बनाया। और उसको आलियान को शौक़ है, कार्स का क्रेज़ है, शौक भी नहीं उसको, क्रेज़ है कि उसको दिल जाता है उसके पास बहुत सारी ढेर सारी कार्स हों। तो उसकी बर्थडे का थीम भी कार्स का ही था, कार्स, ट्रक्स। तो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमने सब डेकोरेशन की। उसकी थर्ड बर्थडे थी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने ये सारे बैनर्स लगवाए थे, कुछ लाइटिंग की थोड़ी बहुत, और रूफ़ के साथ भी हैंगिंग भी की, लाइटिंग की। और यहाँ पे ये कार भी हैंग हो रही है, और टेबल पे भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन जितना हम कर पाए, क्योंकि हमारी प्लान नहीं थी बर्थडे मिडल ऑफ़ द वीक, बल्कि मंडे को हमने किया। उसकी जनवरी 7 को बर्थडे होती है, तो ये हमने जनवरी 7 को मंडे को किया व्लॉग। आज मैं दूसरे दिन इसको अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए टेबल पे जो हमने डेकोरेशन की, बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, उनके हैट, कैंडीज़, जेलीज बना लिए थे कुछ बच्चों के लिए, जो चीज़ें बच्चों को पसंद है, थोड़े से डिफरेंट कलर के जूस रख लिए थे। और अभी केक नहीं था आया, तो इस वजह से केक की वीडियो नहीं है। अभी जब केक आ जाएगा तो वो दोबारा से मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने केक भी रख लिया था। और इस तरह से सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें रख के बच्चों को खुश करने के लिए, तो ये सब कुछ करना पड़ता है। और एक ये आपको बर्थडे का थीम भी पता चल गया, आइडियाज़ भी मिल गए। यहाँ पे अभी आपको दिखा रही हूँ कि हमने कोल्ड एपिटाइज़र अभी रखा है। यहाँ पे नाचोस है, और यहाँ पे स्पिनिश डिपिंग थी, कुछ चटनियाँ रखी हैं। अभी हॉट एपिटाइज़र रेडी नहीं था हुआ। जी तो देखिए एपिटाइज़र भी रेडी हो गया। कोल्ड एपिटाइज़र तो आपको दिखा चुकी थी। यहाँ पे चिकन टेंडर है, वेजी समोसे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, चटनियाँ हैं। और इसके साथ साथ बच्चों ने खूब इंजॉय करके इनको खाया मज़े से। और Happy birthday to you. Are you one? Are you two? जी तो आपने देख लिया, हमने केक काट लिया। और यहाँ पे आपको दिखाएं कि खाने में क्या क्या बना हुआ था। चिकन कढ़ाई बनी हुई थी, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। वाइट चने बने हुए थे, चिकट चने, लाहौरी चने जिन्हें कहते हैं, अंडों के साथ, बॉयल एग के साथ। पालक गोश्त बनाया था, चिकन रोस्ट किया हुआ था, बच्चों के लिए पास्ता था मैक्रोनीस का और शेल्स का, और नूडल्स के साथ सैलेड थी। पुलाव की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये सब चीज़ें हमने घर में बनाई थी। जी तो आपने देखा कि हमने किस तरह से घर में छोटी सी गैदरिंग करके बहुत मज़े से बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट की। यहाँ पे बर्थडे बॉय की पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह, अगर आप मैरीलैंड के एरिया में रहते हैं और केक बनवाना चाहते हैं, तो आप अपने मैसेजेस में मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। पाकिस्तानी लड़की हैं, बहुत मज़े का केक बनाती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।